Hey guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है बेबी एंड वी आर वॉचिंग बेबी ऑन बोर्ड. तो आज हम कहीं भी ऑन बोर्ड नहीं है, कोई ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेशल वीडियो है जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ अपनी फैमिली के एक नए मेम्बर से. ठीक है, तो आप मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को और मुझे तो जानते ही हो, हम तीनों लोग घूमते रहते हैं, आपको जगह दिखाते रहते हैं, कई बार घर के ब्लॉग बनाए हैं हमने. तो और हाँ, मुझे बोलना था मेरे कैमरे वाले वीडियो पे मुझे 1000 लाइक्स मिले हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. और मेरे आप रिसेंटली जो ब्लॉग्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो. एक्चुअली आप मुझे ना कमेंट भी करके पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं आपको पूरा जवाब दूंगी. मैं सब कमेंट के मैं जवाब ज़रूर देती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो. ठीक है, तो मैं आपको पहले अपने नए मेंबर से मिलवा देती हूँ. मैं बाद में थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगी, क्योंकि अभी वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए आएगी कैमरे में. ठीक है, मैंने कुछ मतलब ओवर सजाया वजाया नहीं है उसको, सिंपल सी है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. तो मैं आपको मिलवाती हूँ, उसका नाम है ओशियन. नहीं, नो लिकिंग, इस क्लिक बहुत करती है फेस को. ये है हमारी ओशियन, इसका नाम हमने ओशियन रखा है और ये 2 मंथ्स ओल्ड है. आई हमारे पास अभी परसों ही आई है हमारे पास. तो मैं सोची थी, मैं जब आप मेरे फैमिली में सबको जानते हो तो इसे भी इंट्रोड्यूस तो करवाना ही था ना मुझे आपको. नहीं, देखिए थोड़े से शिवर कर रही है. एक्चुअली मैंने परसों से ही, मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ना जब ये हमारे पास आई थी तो ये कुछ नहीं, कुछ खा पी नहीं रही थी उस टाइम में. तो हम थोड़े से स्ट्रेस हो गए थे कि कुछ खा नहीं रही है, पता नहीं कैसे स्टे करेगी हमारे पास. हमें बहुत चिंता हो रही थी इसकी. तो फिर धीरे धीरे इसने रात को थोड़ा सा हमें एक्सेप्ट किया, लेकिन हाँ कुछ हमें इसने भौंका वौका नहीं, लेकिन हाँ कुछ खा नहीं रही थी, कुछ पानी वानी नहीं पी रही थी. हमारे पास आराम से बैठी हुई थी, बस जहाँ हम सुला देते थे वहाँ सो रही थी, ऐसा कर रही थी बस ये. हाँ बाबू, तो उस दिन हमने नहीं बनाया. फिर नेक्स्ट डे फिर हम इसके साथ मतलब टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसको हम रिकॉर्ड करने से अच्छा इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर दिखाएगी कि ये क्या है, कैमरा लेके क्यों घूम रहे इधर उधर. तो हमने इसकी बस कुछ फोटो क्लिक्स करी थी और एक मैं खेल रही थी इसके साथ, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो मैं आपको लगा दूंगी यहाँ पे. तो अभी हम इसका कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेके आए हैं, अब हम जाएंगे मार्केट तो लेके आएंगे इसके लिए सामान. और वैसे भी इतनी छोटी सी है ये, और इसको कल वैक्सीनेशन होना था तो हमें डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी आप वैक्सीन नहीं करवाओ इसकी, क्योंकि ये ना स्ट्रेस हो जाएगी, फिर आपको परेशान करेगी ज़्यादा, सैड भी हो जाएगी ये, तो इसलिए इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है. 2 दिन के बाद होगी इसकी वैक्सीनेशन. और मैं आपको बता दूँ, ये चिवावा पपी है, जो आपने देखा होगा छोटा सा ही रहता है, जो छोटा सा पपी होता है, ये बड़ा होके भी इतना सही रहेगा. हेलो, अभी ना अब हमारे साथ खेलने लग गए ये, तो अगर मैं इसको अपने पास कुछ सुलाऊंगी ना तो सो जाती है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहती नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे छोड़ दो ये वो करके. थोड़ी देर खेलेगी, मैं इसे बुलाऊंगी आ जाओ मम्मा के पास, तो समझ जाती है कि मैंने बुलाया उसको, आ जाती है मेरे पास. कैसी लग रही है आपको, ये 2 महीने की है, तो हमने इसे देख के हमने देखा ना जब इसको, हमने कहा ये तो हमें परेशान करेगी, इतनी बड़ी है ये तो, लेकिन इसने नहीं करा. पहले दिन तो चुपचाप बैठी रही, पूरे दिन नहीं इसने कुछ खाया है, वापस आ गई थी ये 2:30 बजे तक है ना, लेकिन रात को सोने से पहले इसको फिर लगी होगी भूख, तब इसने खाया फिर खाना चार दीदी के पास. बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है ये, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है. तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये हमारे पास आई कैसे. एक्चुअली हमने 2-2.5 साल से हम सोच रहे थे, 2 साल से तो सोच ही रहे थे कि एक डॉग होना चाहिए घर में, क्योंकि हमारी जो बेटी है, क्योंकि जो हमारी जो बेटी है ना, तो कई बार वो मिस करती है कि उसको कोई सिबलिंग नहीं है. वैसे तो मैं उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करती हूँ, पर फिर भी उसको होता है कि कुछ छोटा सा होना चाहिए. तो बहुत ज़्यादा वीडियो देख देख के उसके मन में आने लगा कि हम एक पपी ले लेते हैं, और वो भी इसका पसंदीदा पपी तो यही है, या तो शिटजू था या फिर चिवावा था. तो हम जब 2 साल पहले हम पूछने गए थे, हम शिटजू के लिए पूछने गए थे, शिटजू ही बोलते हैं ना,
छिट्टू के लिए पूछने गए थे कि तो फिर पता नहीं कुछ हुआ, सर्कमटेंसेस ऐसे बने कि मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर एक बार डॉग घर में आ गया तो हम उसके लिए बिल्कुल केयरलेस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमें कहीं भी जाना पड़े तो हमारे साथ जा सके। मतलब मैं इस बात पे एग्री नहीं करती कि वो डॉग है तो उसे हम घर में छोड़ के कहीं भी चले जाएं, नहीं वो हमारे साथ होना चाहिए, या फिर हम भी कहीं ना जाएं हम उसके साथ घर पे रहें, ये कंडीशन मेरे को चाहिए थी। तो फिर वो होता था कि हम फिर कैंसिल हो जाता था। लेकिन अभी कुछ महीनों से ना ये जैसे मेरे हस्बैंड जो है वो अपने फ्रेंड से बात बात करते थे, तो उन्होंने किसी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास मतलब जो इसके ओशन के जो मम्मी पापा उनके पास हैं और उनके पास बेबीज हैं, इसके चिवावा के बेबीज हैं उनके पास, तो आप चाहो तो आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो फिर हम भी मिलने गए इससे, तो ये हमारे पास आ गई थी है ना। और उसके बाद जो गुनीत है ना, और फिर हम अगर मैं उस डिसएग्री कर रही थी ना तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। गुनीत कह रही थी मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मैं सब पूरी तरह से संभाल लूँगी, मैं पूरा ध्यान रख लूँगी उसका। और उसने फिर मतलब हमें मुझे कन्विंस कर लिया और फिर ये आ गया हमारे पास। एक तरह से ये भगवान का गिफ्ट है हमारे पास। अब जो है हमारा इसके साथ पूरा दिन निकल जाता है, रात में भी मतलब रात लास्ट नाइट जो है इसने काफ़ी देर में सोई थी, लेकिन आई उसको बोल दो कि हमने सोना है आप सो जाओ नीनू कर लो, तो सो जाती है अपने घर में भी। इसका जो केज है वहाँ भी सो जाती है। अरे हाँ, इसका नाम ओशन कैसे पड़ा? हमने इसका नाम ओशन रखा है क्योंकि ओशन एक नेम है, लेकिन किसी भी डॉग का नहीं है, मतलब किसी भी डॉग का नेम ओशन नहीं है। क्योंकि हमें जब भी कुछ क्रेविंग होती है ना बाहर का कुछ खाने के लिए या फिर पीने के लिए, तो हम पीने में ना हम ओशन वाटर प्रेफर करते हैं कि हम वो पी लेते हैं, क्योंकि उससे प्यास बुझ जाती है और थोड़ा बहुत उसमें फ्लेवर होता है। तो कोल्ड ड्रिंक का जो है ना, सॉफ्ट ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का कुछ ठंडा, मतलब ये कि बहुत अच्छा लगता है वो हमें, मुझे और मेरी बेटी को। तो जब हम नाम डिसाइड कर रहे थे ना, तो हमारे सामने ओशन बॉटल पड़ी हुई थी, तो हमने जब सोचा कि इसका नाम क्या रखना है, तो फिर वो ये आया दिमाग में, फिर हमने सर्च करा कि ये किसी और डॉग का नेम है या फिर कैसे है। तो लेकिन डॉग का नेम तो नहीं था, पर हाँ नेम लिस्ट में था ये नेम कि आप रख सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो खाने की चीज़ों पर नाम रखते हैं, जैसे कोको कैंडी चेरी नाम है, नगेट्स रखते हैं कई लोग है ना, मफिन रखते हैं, पेप्सी नाम भी मैंने सुना है, चॉकलेट, ब्राउनी, कैरमल, ऐसे ऐसे नाम होते हैं, टॉफी कैसे नाम होते हैं। तो मैंने सोचा हम ओशन क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ओशन भी नेम लिस्ट में था और ओशन मुझे बहुत ही प्यारा नाम लगा इसका। आप ही बताना आपको कैसा लगा ये नाम। और हमने इसकी इंस्टाग्राम आईडी बना दी है, आप उस पर जाके फॉलो कर लेना। ये रही इसकी इंस्टाग्राम आईडी, उसमें फॉलो कर लेना इसको। इसकी मस्ती भरी वीडियोस और फोटोज पोस्ट करते रहेंगे वहाँ पे, और व्लॉग में तो आपको दिखती ही रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मैं इसी सपोर्ट की कामना करती हूँ आप लोगों से, आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। कुछ पूछना है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस क्या बोलूँ, आप सबका थैंक यू। और वो ये बातें समझने लगी है, मैं उसको बोलूँगी ना आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ, आ जाती है, उसको मना करेंगे नो डोंट, तो नहीं करती है उस काम को। हाँ उसको बोलते हैं आ जाओ नीनू कर लो, तो वो भी समझती है बात को, बहुत समझदार रही है। तो अभी हमने फिलहाल केज लिया है इसका, और इसके जो खाने के बर्तन होते हैं खाने और पानी के, वो बर्तन लिए हैं। अभी हमने कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया है, और जो भी लेंगे आपको हम बताते रहेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सत श्री अकाल, लव यू ऑल, और ओशन की तरफ से भी बाय बाय बाय। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी या नहीं? अगर नहीं देखी तो अभी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।